तो फिर हेलो मेरे भाइयों और तुम्हारी होने वाली बेसियों, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से अपन आ चुके हैं पादमारू गेम प्ले में। देन भाई लोग एक बार फिर से यहाँ पर अपना कॉन्करर लग चुका है। तो भाई लोग रात को 12 बजे मैंने यहाँ पर 400 के आसपास में रैंक छोड़ दी थी। देन मॉर्निंग में 430 रैंक पर कॉन्करर का टाइटल मेरे को मिल चुका था। और यहाँ पर मैंने रात को कितने पॉइंट लगाए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो भाई सिंपल सा मैंने 5,755 पॉइंट 5,755 पॉइंट लगा कर छोड़ दिया था। देन अपन को मॉर्निंग में डुओ में इजी तरीके से कॉन्करर का टाइटल मिल चुका था। देन भाई लोग मेरे को कैसे लगा, मैंने कितने गेम खेले वो मैं आपको आगे बता दूंगा। बट भाई लोग अगर आप मेरे को पहली बार देख रहे हो ना, तो सालों न तो मेरे को देखना है और न ही मेरा देखना है। तुमको सिर्फ एक चीज देखनी है, वो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो सालों जल्दी से देख लो और कर लो, तुम्हारा होने वाली सेटिंग की कसम है। देन भाई लोग बात की जाए इस गेम प्ले की, तो भाई लोग सिंपल सा हम इस वाली पोजीशन पर आ जाते हैं। और भाई लोग ये वाली पोजीशन जोन के सेंटर में थी, बंदे अच्छे खासे अलाइव थे। अब इतने बंदे अलाइव नहीं थे बिकॉज ये गेम प्ले मैं रात को खेल रहा था। देन यहाँ पर रात को आपको पता है इतनी अच्छी लॉबी नहीं आती, बट अच्छे खासे फिर भी अलाइव थे। सामने एक बंदा दिखता है, उसको मैं काफ़ी हद तक लीड करता हूँ, लेकिन बंदे की किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी थी और ये बंदा बच जाता है। तो भाई लोग इस भाई के जो सस्ते नशे हैं उसको देखने के बाद में मेरे को लग रहा था कि 5 रुपये की कहीं से बीड़ी फूंक कर आया है। बट कोई ना साले, कोई बीड़ी कुछ अब ज़्यादा ही यहाँ पर महंगी पड़ने वाली है। तो सिंपल सा जस्ट मेरे को ये बंदा ऊपर दिख जाता है और बस। तो भाई लोग अब बस क्या, सीधा साले को लॉबी भेज देते। लेकिन यहाँ पर सामने एक और बंदा था स्क्वाड उसमें। अब भाई लोग इस बंदे को मारने के लिए जाता हूँ, लेकिन साला मेरा टीममेट को ज़्यादा ही यहाँ पर कुछ लालस आ गई थी। अब पिछवाड़ा ले लिया लालस, साला किल की तो सबको रहती है। लेकिन भाई यहाँ पर जो मेरे टीममेट ने एक बार ठान ली थी कि ऊपर जो बंदा है उसका पिछवाड़ा वही लेगा, लेकिन साला ऊपर वाला बंदा भी किसी से कम नहीं था, वो भी ठान लिया था कि इसका पिछवाड़ा तो वही लेगा। अब भाई दोनों के बीच में महायुद्ध होता रहता है, और महायुद्ध में देखो साला मेरा टीममेट गधे से घोड़ी तो बन चुका था। अब साला लॉबी में जाने की बारी थी, हाँ तो भाई चला गया। तो भाई इसी के साथ में बंदा भी मर गया और भाई लोग मेरा टीममेट भी मर गया। तो भाई इसमें मेरे को यहाँ पर कोई दुख नहीं हुआ, मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई। चलो एक नहीं दो दो पेटी लूटने को मिली। हाँ तो भाई इसी खुशी में यहाँ पर आ रहा हूँ मैं जोन के सेंटर में, तभी एक गंदा सा इस पर आता है और साला यहाँ पर देख रहे हो भाई 50 HP कम हो चुका था। देन सिंपल सा यहाँ पर मैं ओपन में रुक जाता हूँ, शील्ड वेल्ड लगाता हूँ। इसलिए भाई लोग मैं आपको हमेशा एक बात बोलता हूँ कि एंड जोन में जितना हो सके उतना ज़्यादा शील्ड रखने का ट्राई करो, बिकॉज कभी भी काम में आ सकती है। अब भाई लोग यहाँ पर शील्ड वेल्ड लगाता हूँ, सिंपल सा यहाँ पर मैं होल्ड करता हूँ। देन यहाँ पर स्मोक फेंक लेता हूँ, बिकॉज नेक्स्ट जोन कट चुका था, बिकॉज बंदों का यहाँ पर रोटेशन होना स्टार्ट हो चुका था। तभी यहाँ पर मेरे को एक बंदा दिखता है और बस यहाँ पर देखो। अब भाई इसी के साथ इस बंदे को तो मार देता हूँ, बट तो भाई लोग यहाँ पर मेरे को बैक टू बैक 3 किल मिल जाते हैं। देन मेरे को अब पूरा फोकस करना है चिकन डिनर लेने का। देन भाई देखो सिंपल सा मैं दिन का 5 या फिर 6 गेम खेलता हूँ, मान के चलो 10 गेम खेलता हूँ एक आईडी में। देन यहाँ पर देखो इतने कम गेम खेलकर भी इस आईडी में मैंने फिर से कॉन्करर लगा दिया। देन भाई देखो प्लस मिल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं मिल रहा है भाई, मैं खुद हर गेम में आराम से 10 से 20 का प्लस ले लेता हूँ, वो भी भाई लोग इतने हाई टायर पर। तो भाई लोग आप भी ले सकते हो। अब मैं कैसे लेता हूँ वो तो मैं कल के वीडियो में आपको अलग से पूरा वीडियो डाल के बता दूंगा। लेकिन भाई लोग देखो दिन का आप ज़्यादा गेम मत खेलो, 10-15 गेम खेलो, जितने हो सके उतने कम गेम खेलो ताकि आपके माइनस न लगे। अब भाई देखो सामने एक बंदा था उसको मैं नॉक करता हूँ, लेकिन वो बंदा टीम अप वाला होता है। देन सिंपल सा उस बंदे से मैं टीम अप भी कर लेता हूँ। लेकिन भाई बात रही कॉन्करर पुश की, तो भाई देखो कॉन्करर पुश करने माइनस सबके लगते हैं, मेरे भी लगे थे भाई। मैंने आपको कल भी बताया परसों भी बताया मेरे कितने ज़्यादा माइनस लगे थे, उन सबको रिकवर किया, कॉन्करर भी लगाया। तो माइनस आपके भी लगेंगे, उनको रिकवर करना पड़ेगा और आपको कॉन्करर भी लगाना पड़ेगा। अगर आप भी से हार मान लें तो भाई कुछ नहीं होने वाला। और भाई जिनका एस डोमिनेटर लग चुका है उनको तो 100% कॉन्करर का टाइटल मिलेगा ही मिलेगा।
बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, आराम से खेलना है, शांति के साथ खेलना है। माइनस लगे तो कोई दिक्कत नहीं, लगे ना लगे ऐसा मत खेलो कि मेरे को कॉन्कर लगा नहीं है। ऐसा लगा के खेलोगे ना तो भाई सिंपल आपका कॉन्कर नहीं लगेगा। आपको ऐसा खेलो कि मेरे को दिन का बस इतना प्लस करना है, हो रहा है अच्छी बात है, नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं। तो बोलो अगर आप ये सब कुछ सोचकर खेलते हो तो भाई यहाँ पर आपको कोई टेंशन नहीं होगा माइनस का, तब आप इतना लोड नहीं आएगा और आप इतना डिप्रेशन में नहीं जाओगे। बहुत सारे बंदे तो मतलब कि जब माइनस लगते हैं तब वो देख के हार मान लेते हैं। भाई माइनस तो स्क्वाड में भी आप जब मजे के लिए खेलते हो तब भी लगते हैं ना, तो बस मजे के लिए खेलो लेकिन थोड़ा सेफ रह के खेलो। बस यहाँ पर आपको ये करना है कि थोड़ा सेफ रह के खेलना है। माइनस लगे तो सोचना क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं, माइनस लग गया कोई दिक्कत नहीं, अगले सीजन ट्राई कर लेंगे। लेकिन ऐसे ऐसे करते करते आप खेलते रहोगे ना तो 100% आपका कॉन्कर लग जाएगा। तभी भाई लोग ये बंदे होते हैं टीमअप वाले। अब भाई देखो इनके साथ टीमअप में मस्ती करते करते सिंपल सा अपन को वो गधे से गोड़ी बना देता है मजाक में। इसलिए भाई लोग मैं ट्राई करता हूँ कि लास्ट जोन में टीम अप ना करूँ, लेकिन भाई कभी कभी करना पड़ता है टीम अप। तो यहाँ पर टीम अप के चक्कर में अपन को यहाँ पर गधे से घोड़ी बना देता है और मजाक में पूरा गेम भी खत्म हो जाता है। देन बात करें इस गेम की, तो भाई लोग ये भी हम एक नेक्स्ट लेवल सर्वे करते हैं और भाई लोग इस गेम में जो ही हैकर की अपन पिछवाड़ा लेते हैं ना भाई, इसके बाद में हैकर तो खेलना ही छोड़ देगा। हैकर ने सोच लिया था कि मैं इस लॉबी में आया ही क्यों। देन भाई सिंपल सा हम इस वाले पोजीशन पर होल्ड करते हैं, तभी मेरे को सामने एक बंदा दिख जाता है और बस आगे भी एक डिप है ना ये वाला। तो भाई लोग इस बंदे को मैं काफी हद तक लीड करता हूँ, तभी अपन पे एक गंदा वाला स्प्रे आता है और यहाँ पर अपन गधे से घोड़ी बन जाते हैं। देन सिंपल सा टीममेट को बोलते साले हमेशा तेरे पिछवाड़े पे हाथ रखता हूँ, आज तू मेरे पिछवाड़े पे हाथ रख ले। अब भाई लोग यहाँ पर पाद वाद मार के यहाँ पर स्मोक कर लेता और यहाँ पर हाथ रखते हैं। देन भाई लोग ये बंदा दिखता है, उसको मैं काफी हद तक लेट करता हूँ, बट यहाँ पर इस बंदे को तो सालो अपन ही मारेंगे, बस तुम रुक जाओ। लेकिन भाई आपको कॉन्कर पुश किसी भी हालत में करना है, कुछ भी हो जाए। तभी यहाँ पर एक और रोटेशन आ चुका है। अब भाई लोग इस बंदे को मैं काफी हद तक लीड करता हूँ, लेकिन बंदे की किस्मत बहुत अच्छी थी, साला बच जाता है। बट भाई लोग यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, भाई देखो जिन बंदों को भी टीममेट चाहिए ना, बहुत सारे बंदों को टीममेट नहीं मिलता है, इसलिए भाई लोग वो रैंक पुश नहीं कर पाते। तो भाई लोग मैं किस लिए हो, सिंपल सा आप क्या करो कि कमेंट में अपनी आईडी डाल दो और भाई जो भी मतलब कि जिस बंदे के साथ खेलना है वो अपनी आपस में बात कर लो कमेंट बॉक्स में। चलो कमेंट बॉक्स किस लिए दिया होता है, आपस में आप अपनी आईडी डालो और वहाँ पे कमेंट करो कि हाँ भाई मेरे को टीममेट चाहिए, मेरे को टीममेट चाहिए। तो भाई लोग जिनको भी टीममेट चाहिए होगा वो आपसे कमेंट में बात कर लेंगे। ऐसे ऐसे अगर बात करोगे ना तो भाई देखो इस पर मैं अलग से एक वीडियो भी डाल दूंगा। जिन जिन बंदों को टीममेट चाहिए ना वो भाई लोग सारे के सारे क्या करना कि कमेंट बॉक्स में आईडी डाल देना। उसके बाद भाई लोग क्या सीन होगा कि जो बंदा आपको पसंद आए उसके साथ आप खेल लेना, अगर सामने वाला राजी हो तो। देन यहाँ पर देखो दो किल तो अपन को मिल चुके, तब मेरे को लग रहा था कि पीछे से और बंदे आएंगे और पीछे से बंदे भी आते हैं। तो भाई लोग किसी के साथ यहाँ पर मैं टीममेट के पिछवाड़े पे हाथ रखता हूँ, देन यहाँ पर इसको रिवाइव कर देता हूँ। बट भाई लोग यहाँ पर सिंपल आप में से जिस बंदों को भी पॉपुलरिटी भेजनी है तो सालों थोड़ा सा पॉपुलरिटी भेज दो और जल्द से जल्द 1 मिलियन पॉपुलरिटी अपनी करवा दो। देन मैं सिंपल सी कमेंट बॉक्स में अपनी आईडी दे रखूंगा। जिनको भी भाई थोड़ी बहुत जो भी फ्री की पॉपुलरिटी है ना वो भाई लोग हो सके तो थोड़ा बहुत भेजना और थोड़ा बहुत सपोर्ट करना। देन भाई लोग सिंपल सा जस्ट हमारे सामने हैकर था। अब भाई देखो मुझे नहीं पता था पहले हैकर है, बट भाई लोग जैसे यहाँ पर मैं पिक करता हूँ ना तभी सामने वाला हैकर अपना असली रूप दिखाता है, लेकिन सालों को ये नहीं पता था कि इसका पंगा किससे हो रहा है। अब भाई यहाँ पर मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि सामने वाले बंदे की ना 100% 1 HP होगी। अब बंदे की ये साला नल्ला हैकर था। अब भाई देखो इस हैकर के साथ जो ही सीन होगा, लेकिन साला फिर से अपन को गधे से घोड़ी बना दिया। बट भाई ये हैकर की तो फट गई थी और भाई लोग ये बंदा यहाँ से निकल जाता है और भाई लोग निकल के कहीं पर कैम करने लग जाता है। अब मेरे को पता था कि ये बंदा इस घर में, देन यहाँ पर जोन नहीं था। सो मैंने यहाँ पर क्या सोचा कि मैं थोड़ा बहुत रोटेशन मारूँ और जैसे ही रोटेशन मारता हूँ तभी साला हैकर नल्ला ऑलरेडी रोटेशन मार चुका था और यहाँ पर सिंपल सा अपन को मार देता है। बट अभी भी यहाँ पर खेल खत्म नहीं हुआ। अब बारी थी मेरे टीममेट की। अब भाई इस हैकर को ये नहीं पता था कि उसको जोन में आना है। देन देख लो कितना गंदा मार रहा है। बट बेटा तू रुक जा भाई, तेरे बस का नहीं है, तू सिर्फ लॉन्ग रेंज में मार सकता है, क्लोज में भाई तू गू है, गू वो भी मेरा किसी और का नहीं, मेरा गू है भाई। अब देखो मैं सालों प्रूफ करता हूँ, ये लो रुक चला है, ये देख रहे भाई 1 HP पे इसको मार दिया और यहाँ पर चुकन मिल चुका है।